क्या आप जानते हैं काली, दस महाविद्या काली, शमशान काली और महाकाली में क्या अंतर है? क्या काली भी अलग अलग तरह की होती है? हमें तो लगता था कि काली एक ही है, जो जो काली का विकराल रूप देख लिया उसी को काली समझ लिया। इन सभी शंकाओं का समाधान आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित पाठक आपके लिए एक और जानकारी से परिपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हमें यह समझना पड़ेगा कि काली के कितने प्रकार हैं। शाक्त और तंत्र ग्रंथों के अनुसार काली के 8 भेद बताए गए हैं। चलिए अब जानते हैं काली, दस महाविद्या काली, शमशान काली और महाकाली में क्या अंतर है। सबसे पहले काली के विषय में जानते हैं। दरअसल काली ही आद्या काली है, अर्थात सभी रूपों का मूल यही है। देवी भागवत के अनुसार जब दक्ष यज्ञ में जाने के लिए सती शिव से पूछती है तो शिव मना कर देते हैं, जिस कारण देवी क्रोधित हो जाती है। जिसे देखकर जब शिव भागने लगते हैं तो सती 10 रूपों में शिव को 10 दिशाओं से घेर लेती है। यह 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कथा है और इन्हीं 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख काली है और ये सारी महाविद्याएं काली का स्वरूप है। काली माँ या कह लीजिए आद्या काली का रंग अत्यधिक श्याम है, कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा काला है, काले से भी ज्यादा काला है, यानी कि मृत्यु रात्रि के समान है। काली 3 नेत्र धारिणी है, बंधनों से मुक्त चमकते हुए सफेद दांतों के बीच में रक्त वर्ण की जीवा लपलपाती रहती है। काली माँ शेर की खाल का वस्त्र पहनती है और कंकाल मुंडे तथा रक्त पुष्प की माला धारण करती है। बाकी की ज्वेलरी भी देवी सिर्फ हड्डियों की पहनती है। 4 में से 2 हाथ खाली हैं और 1 हाथ में तलवार और 1 में नरमुंडे है। यह थी काली की जानकारी, जो आद्या शक्ति, जो पराशक्ति है, जिसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली को उत्पन्न करा। अब जानते हैं महाकाली के बारे में। काली के ही प्रमुख रूप को महाकाली कहा जाता है। त्रिदेवों में सबसे प्रमुख महादेव की शक्ति के रूप में जानी जाती है। देवी महात्म्य यानी कि दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की अधिष्ठात्री देवी यही है। देवी के इस रूप में 10 हाथ, 10 पैर तथा 10 मुख होते हैं। शाक्त और तंत्र के अनुसार ब्रह्मांड के हर देवता की शक्ति का स्रोत यही देवी है। इसी महाकाली देवी को विष्णु जी की योग माया के नाम से भी जाना जाता है। यही महाकाली देवी नवान चंडिका का अंग विद्या कहलाती है। यह थी महाकाली के विषय में जानकारी। अब जानते हैं शमशान काली या संहार काली के विषय में कुछ जानकारी। शमशान काली माँ काली का सबसे भयंकर विनाशक और प्रलयकारी रूप है। शमशान काली तंत्र मार्गी लोगों में सबसे प्रमुख देवियों में से एक है। श्यामा काली या दक्षिण काली से विपरीत श्यामा काली अपना उल्टा पैर यानी कि लेफ्ट लेग शिव की छाती या शव की छाती पर रखती है। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि गृहस्थों को सिर्फ दक्षिण काली या महाकाली की उपासना घरों में करनी चाहिए, जिनका राइट पैर यानी कि सीधा पैर शिव जी की छाती पर है। काली का यह शमशान काली रूप मृत्यु का, विनाश का तथा प्रलय का घोतक है। इनकी उपासना तांत्रिक पद्धति से की जाती है। शमशान काली एक मरे हुए के शरीर पर खड़ी है, यह कह सकते हो डेड बॉडी पर खड़ी है। शमशान काली का निवास स्थान शमशान में है तथा लाशों, भूतों, प्रेतों, योगिनियों, भेड़ियों आदि से घिरी रहती हैं। काली के इस शमशान काली रूप में काली एक हाथ में कटा हुआ मुंड तथा दूसरे में खप्पर पकड़ती हैं। इनकी पूजा तांत्रिक तथा योद्धाओं द्वारा की जाती है। आइए अब जानते हैं दक्षिण काली के विषय में। दक्षिण काली या श्यामा काली माँ काली का सबसे अधिक प्रचलित रूप है। अधिकतर घरों में काली के इसी श्यामा काली रूप की पूजा की जाती है। दक्षिणा काली या श्यामा काली माँ बहुत ही करुणामयी, ममतामयी देवी है, जो अपने बच्चों और अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। काली का यह रूप दक्षिण काली रूप अन्य सभी रूपों से सबसे अधिक सौम्य है और ममतामयी है। श्यामा काली या दक्षिणा काली की उत्पत्ति की कई सारी कथाएं हैं, जिस कारण देवी का नाम दक्षिण काली पड़ा। किसी भी शुभ कार्य और यज्ञ आदि के पूर्ण होने का फल पंडित को दान दक्षिणा देकर ही मिलता है। वही परिपूर्ण फल देने के कारण माँ का यह स्वरूप दक्षिणा काली कहलाया। यह भी मान्यता है कि यमराज की दिशा दक्षिण है तथा देवी के इस रूप से यम भी भय खाता है, इसलिए देवी दक्षिणा काली कहलाती है। काली देवी का यह श्यामा काली रूप या दक्षिणा काली रूप 4 हाथों में से 2 हाथों से वर तथा अभय देता है तथा 1 हाथ में नरमुंडे तथा 1 हाथ में खप्पर पकड़ता है। दक्षिणा काली का सीधा पैर शिव की छाती पर है। दैत्यों के संहार के बाद जब देवी महान क्रोध में भर गई थी, तब शिवजी नीचे लेट गए और जब भगवती का पैर उनकी छाती में पड़ा तो भगवती को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर डाला, इससे उनका क्रोध शांत हुआ था।
दोस्तों, अब कुछ अन्य भेद बताता हूँ। काली के अन्य कई रूप हैं, जैसे शमशान काली, काम कला काली, गुह्य काली, आद्य काली। इस तरह के 8 भेद हैं। देवी महात्म्य में जो काली देवी को चंडिका देवी ने प्रकट किया था, उसको आद्य काली यानी कि परमेश्वरी काली से अलग जानना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वरी काली से सर्वदा भिन्न है। और जिन्हें हम महाकाली के नाम से जानते हैं, वो विष्णु की योग माया कहलाती है। वो भी परमेश्वरी आद्य काली का एक रूप है, जो कि सर्वथा भिन्न है तथा नवान चंडिका की अंग विद्या कहलाती है। अद्भुत रामायण के अनुसार महारावण द्वारा जब राम को भी हरा दिया गया, तब सीता ने महाकाली का रूप धरकर उस महारावण का संहार किया था। सीता द्वारा लिया गया काली का यह रूप भी आद्य काली से सर्वथा भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार विष्णु ने भी एक बार शंखचूड़ या फिर जालंधर, मुझे अभी ढंग से याद नहीं आ रहा, दोनों में से एक के साथ युद्ध के समय शिव की सहायता के लिए काली का रूप धारण करा था। इसलिए हर किसी काली के रूप को आद्य काली नहीं कहा जा सकता या काली नहीं कहा जा सकता। सती दाह की सूचना मिलने पर शिव ने जिस भद्रकाली को प्रकट किया था, वो भी आद्य काली, दक्षिणा काली, इन सबसे भिन्न है। दोस्तों, आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई त्रुटि हो या सुधार की आवश्यकता हो तो बताइएगा। अगर आज की जानकारी पसंद आई तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और आगे भी इसी तरह की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।